नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी लेखिका पत्रकार निर्मला भुराड़िया जी। निर्मला जी के कई उपन्यास आ चुके हैं, लेकिन हाल ही में उनका एक उपन्यास आया है गुलाम मंडी, जो एक निहायत बिरले विषय पर है और बेहद चर्चा का विषय भी बना हुआ है और उसकी बिक्री भी बहुत अधिक हो रही है। मैंने खुद ने वह उपन्यास पढ़ा है और उसमें एक बहुत ही अनूठा चित्रण एक वर्ग का किया गया है जिसके बारे में आमतौर पर लेखक लिखने से डरते हैं। तो थोड़ा सा बातचीत हम करते हैं गुलाम मंडी के बारे में। जी, गुलाम मंडी वैसे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है, मानव व्यापार पे है, लेकिन उसमें एक पूरा का पूरा ट्रैक है थर्ड जेंडर पे है, जिसको हम हमारे यहाँ हिजड़ा या किन्नर कह के बुलाया जाता है। गुलाम मंडी को लिखने के लिए जो क्योंकि एक ये वाकई में आश्चर्यजनक है कि जो आपने बताया कि जो एक मानव तस्करी का जो व्यापार है और उसके साथ साथ जो किन्नर वर्ग है, तो उनके जीवन को इस ढंग से लिखना यानी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको कैसे अनुभव हुआ और इसके लिए? मैं बचपन से ही ये सोचा करती थी कि आखिर इन लोगों में ऐसी क्या कमी है जो इनको घेटो बना के रहना पड़ता है। ऐसा क्या है कि ये लोग स्कूल नहीं जाते, कहीं भी अलग बस्ती बना के रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, नाश्ते गाते हैं। फिर चूंकि मैं अखबार में काम करती हूँ, तो एक बार एक खबर पे मेरी नज़र पड़ी कि एक युवक का इमैस्कुलेशन करके उसका वो करके और उसको एक चमेली नाम के हिजड़े के बेच दिया गया। तो मुझे ऐसा लगा, मैं उस वक्त अमेरिका किसी बुलावे पे गई थी अमेरिकन विदेश मंत्रालय के ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम करने के लिए। तो मुझे लगा कि इन लोगों का मुद्दा भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काफ़ी करीब है, तो मैंने इसको शामिल कर लिया और बाकायदा इन लोगों के घर जाके और सारे इन लोगों के फंक्शंस में जाके चीज़ें एकत्रित करी। तो एक बहुत ही जीवंत दृश्य उभर के आया कि वास्तव में ये लोग तो बहुत ही उपेक्षित हैं। इसके पहले भी आपका एक उपन्यास आया था कोर्ट ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, वो भी मैंने पढ़ा है। उसमें भी आपने बहुत सी वास्तविकताओं का वर्णन किया है और उसकी भी बड़ी चर्चा रही है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसमें ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड में खास करके मारवाड़ी परिवार या स्त्रियों की गाथा है और एक अखबार का जीवन कैसा होता है, किस तरह से विज्ञापन के सामने अखबार दब जाते हैं, किस तरह से सही तस्वीर समाज की उभारते उभारते समझौता कर लेते हैं और किस तरह आज़ादी के बाद अब माहौल में अखबार नाम की संस्था एक मिशन नहीं रही है, इस तरह की चीज़ें उस उपन्यास में हैं ऑब्जेक्शन में। जी, अभी मेरी ममता जी से बात चल रही थी, ममता कालिया जी से, तो उन्होंने ये कहा कि वो अभी जो उनके बाद की जो पीढ़ी महिला लेखन कर रही हैं, खासकर जो महिला लेखिकाएं हैं, उनके प्रति वो बहुत आश्वस्त हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? महिला हो पुरुष हो, सभी लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं इस वक्त पे, मतलब बहुत ही आनंदित होने की बात है। और ख़ास करके महिलाओं के बारे में मैं ये कहूँगी कि पहले लोग कहा करते थे, खासकर राजेंद्र यादव कहा करते थे कि ये अपने सिर्फ घर की चीज़ें लिखती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नौकरों की कहानियाँ लिखती हैं, और वो खुद ही देह विमर्श भी ले आए। पर अब ऐसा नहीं है, अब महिलाओं के सरोकार भी बड़े हैं, उनका दायरा भी बड़ा है और हर चीज़ पे वो अपनी कलम चला रही है और न सिर्फ चला रही हैं, बहुत अच्छे से चला रही हैं। इंदौर में जो इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है और इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें लगातार लोगों का या यंग जनरेशन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है? मुझे लगता है कि चूँकि ये पुरानी जो जिसको कहते हैं ना कि पुरानी शराब नई बॉटल में, तो पहले सिर्फ लेखकों की ही कॉफ़ी हाउस में मीटिंग होती थी, चर्चा होती थी, एक दूसरे से क्या लिख रहे ये बात होती थी, तो ये उसका थोड़ा सा वाइडर रूप है, तो इससे तो बल्कि युवा ज़्यादा जुड़ रहे हैं। और देखा जाए तो एक तरह से क्रेज़ है जी फेस्टिवल्स का, कई लोग कहते हैं क्या मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे इंटरेक्शन भी होती है लोगों की और कई विषय भी खुल के आते हैं,
और युवाओं की भी मुझे तो काफ़ी भीड़ दिखाई पड़ी। अभी आप कौन से कोई नया आपका उपन्यास आने वाला है इसमें काम? मैं एक उपन्यास में काम कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि आप कह देते हैं तो अरमान निकल जाता है। जी, आप जी, कह के ये ना शेख चिल्ली की तरह संतुष्ट हो जाती है कि अरे मैं इस पे काम कर रही हूँ, ऐसा है वैसा है। तो मैं चाहती हूँ कि चीज़ जब सामने आए तभी दिखे। धन्यवाद।